नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। बॉलीवुड के बुजुर्गवार डायरेक्टर महेश भट्ट की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द ही सीबीआई इन्हें ग्रिल करने वाली है। इनके रिया के साथ क्या रिश्ते हैं, इसे खंगालने वाली है। सीबीआई ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि क्या वो सुशांत को पागल घोषित करने में रिया के साथ किसी साजिश में शामिल हैं। मौत के बाद महेश भट्ट के बयान और पूछताछ में दिए गए बयानों पर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि किस हैसियत से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को परवीन बॉबी बताया था, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से महेश भट्ट के द्वारा गाइड की जा रही थी। वो कहते हैं कि तोहमतें मत लगाओ, वो कहते हैं रुस्वा मत करो, पर ये नहीं बताते कि हर रोज़ जो सरप्राइज आइटम वो हमें पकड़ा देते हैं उसका हम क्या करें। सही पकड़ें आप, मैं बॉलीवुड के बुजुर्गवार डायरेक्टर महेश भट्ट की ही बात कर रही हूँ। फिल्मों का तो पता नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की ज़िंदगी को तो वो पूरी तरह से डायरेक्ट कर रहे थे, डायलॉग भी लिख कर दे रहे थे और हर शॉट के बाद दाद भी पूरी तरह से दे रहे थे। अब अगर वो रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सअप चैट में ये लिखेंगे कि यस यस यस, If I am of no use to you, then my existence is useless. यानी अगर मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका तो मेरा तो होना ही बेकार है, मेरा तो वजूद ही यूजलेस है, मैं तो दुनिया में खामखा ही आया हूँ, मेरे तो दुनिया में आने की वजह ही तुम हो। यही कह रहे हैं ना महेश भट्ट। बताइए, वो 70 साल की इस नाजुक उम्र में रिया चक्रवर्ती को उसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत बताने के लिए इतनी दूर तक निकल गए। 70 साल की ज़िंदगी रिया के जुम्मा जुम्मा 2 साल के साथ पर ऐसे ही कुर्बान कर दी महेश भट्ट ने। वो उसके इश्क में इस कदर डूब गए कि ऐसी ऐसी बातें लिखने लग गए। तो हम क्या समझे भैया कि बाप बेटी का प्यार है? आप ही बता दीजिए कि इसे हम क्या कहेंगे। जब इतना पानी बह ही गया है तो भाई इस मुद्दे पर बात करना तो बनता ही है ना। ये वाहवाही लूटने वाला डायलॉग दरअसल 8 जून को सुबह सुशांत का घर हमेशा के लिए छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सअप चैट का हाई पॉइंट है। ये चैट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इन दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से उजागर कर रही है और इस बात पर भी मोहर लगाती है कि रिया और सुशांत की ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा था उसका मास्टरमाइंड, उसका डायरेक्टर, उसका मदारी यही बुद्धा महेश भट्ट ही थे। उन्हें सब कुछ, मतलब सब कुछ पता था, ए से लेकर जेड तक। हालांकि इन जनाब ने मुंबई पुलिस के साथ पूछताछ में ये कहा था कि ये सुशांत से सिर्फ 2 बार ही मिले थे। एक बार 2018 में एक फिल्म के सिलसिले में मिले थे और उसके बाद दूसरी बार 2020 में मिले थे, जब सुशांत ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में उनसे चर्चा की थी। लेकिन ये चैट साफ दर्शाती है कि भले ही महेश भट्ट 2 बार ही मिले थे सुशांत से, लेकिन रिया चक्रवर्ती कब, कैसे, किस मकसद से सुशांत की ज़िंदगी का हिस्सा बनी, ये सारी बातें मियां महेश को पूरी तरह से पता है। चैट के एक एक डायलॉग पर चर्चा करूंगी मैं आज अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। चैट जो कि 8 जून को रात 7:43 पर शुरू हुई थी, उसमें सबसे पहले रिया लिखती है, आयशा मूव्स ऑन सर विद अ हैवी हार्ट एंड अ सेंस ऑफ रिलीफ। योर लास्ट कॉल वॉज अ वेकअप कॉल। यू आर माई एंजल। यू वर देन एंड यू आर नाउ। यानी रिया ने सुशांत का घर छोड़ते ही अपने मेंटोर, अपने बुढ़ा महेश भट्ट को खबर दी कि वो सुशांत को भारी मन से हमेशा के लिए छोड़ रही हैं, लेकिन काफ़ी राहत महसूस कर रही हैं। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं मेरे लिए। ये सब लिखा रिया ने। आपको बता दूं, रिया ने फिल्म जलेबी में आयशा का किरदार निभाया था। बड़ा ऐतिहासिक नाम है ये। इस फिल्म को महेश भट्ट ने ही प्रोड्यूस किया था। ये भी ध्यान रखिए कि ईडी में दायर अपने हलफनामे में रिया ने कहा था कि 8 जून को सुबह उसे झगड़े के बाद सुशांत ने ही घर छोड़ने के लिए कहा था और वो कुछ दिन उससे अलग होकर रहना चाहती थी। लेकिन इस मैसेज में साफ लिखा है कि वो हमेशा के लिए सुशांत से किनारा करके आ गई है, बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है और महेश भट्ट उनके लिए एंजल हैं। फिर रिया के इस मैसेज पर महेश भट्ट लिखते हैं, डोंट लुक बैक, मेक इट पॉसिबल व्हाट इज इनएविटेबल, माय लव टू योर फादर, ही विल बी हैप्पी। यानी अब पीछे मुड़कर कतई मत देखना, जिसे बदला ना जा सके उसे संभव करके दिखाओ, तुम्हारे पिता भी खुश होंगे, उनके लिए प्यार। साफ है रिया को महेश भट्ट सलाह दे रहे हैं कि अब सुशांत की तरफ मुड़कर कतई मत देखना,
और साथ ही इस मैसेज से ये भी साफ हो रहा है कि रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर रिया के पिता भी नाखुश थे और अब रिया ने सुशांत को और उसके घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था तो रिया के पिता भी खुश होंगे, यही कह रहे थे महेश भट्ट। फिर आगे रिया लिखती हैं, हैव फाउंड सम करेज सर, वॉट यू सेड अबाउट माई डैड दैट डे ऑन द फोन पुश्ड मी टू बी स्ट्रांग फॉर हिम, ही सेंड्स यू लव एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज बींग सो स्पेशल। यानी आपने उस दिन फ़ोन पर मेरे डैड के बारे में जो कुछ कहा था उससे मुझे हिम्मत मिली और उसी से मैं उनके लिए मजबूत बनी, शुक्रिया मेरे लिए हमेशा इतने ख़ास बने रहने के लिए। तो इस मैसेज से ये भी साफ हो रहा है कि सुशांत से रिश्ता तोड़ने के लिए महेश भट्ट ने ही रिया को सलाह दी थी, गाइड किया था और काफ़ी पहले से महेश भट्ट के साथ उसकी इस सिलसिले में बातचीत हो रही थी, उसी का हवाला दे रही थी रिया। यानी महेश भट्ट इन दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी अंदर तक घुस चुके थे, उनका पूरा पूरा दखल था दोनों की ज़िंदगी में। इसी मैसेज से महेश भट्ट के झूठ का भी पर्दाफाश हो जाता है। वो अपने बयान में मुंबई पुलिस से कह रहे थे कि वो सुशांत और रिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इस चैट में साफ दिख रहा है कि रिया को सुशांत को छोड़ने की सलाह महेश भट्ट ही दे रहे थे। आगे महेश भट्ट लिखते हैं, यू आर माई चाइल्ड आई फील लाइट, तुम मेरी बच्ची हो, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब कोई महेश भट्ट से पूछे कि रिया का रिश्ता सुशांत से टूटने के बाद वो इतना रिलैक्स काहे फील कर रहे हैं, उनका ऐसा क्या स्टेक पर लगा था कि इस खबर से उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया, वो किस बात से खुश थे, क्या रिया सुशांत को छोड़कर उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई थी, क्या इसलिए मियाँ महेश इतने खुश नज़र आ रहे थे। आगे रिया लिखती हैं, आह नो व्हाट सर, जस्ट अ फुल हार्ट बट द बेस्ट इमोशंस आई फील फॉर यू। यानी रिया अपने बुद्धा के लिए भावनाओं से भर जाती हैं और कहती हैं कि सबसे अच्छी फीलिंग्स तो उन्हें सिर्फ महेश भट्ट के लिए ही आती हैं। यहाँ लाल रंग के चार दिल वाले इमोजी भी डालती हैं रिया अपने मैसेज में। यहीं पर दोनों के रिश्ते का सच भी गाहे बगाहे सामने आ जाता है। प्यार ये मोहतरमा 8 जून सुबह तक सुशांत से करती थी, लेकिन दिल में इनके बेस्ट फीलिंग्स सिर्फ महेश भट्ट को देखकर ही पैदा होती थी। मैसेज के साथ चार चार हार्ट वाले इमोजी भी भेजती थी। गजब की हिम्मत है, ब्रेकअप के तुरंत बाद दिल कहीं और भेजा जाने लगा। और तो और वो ये भी बताती हैं कि महेश भट्ट के अनकंडीशनल लव का उसकी ज़िंदगी पर बड़ा असर है। रिया लिखती हैं, थैंक यू डेस्टिनी दैट आई हैव मेट यू, यू आर राइट, आर पाथ्स मेंट फॉर दिस डे नॉट फॉर अ फिल्म, समथिंग वेरी डिफरेंट, एवरी वर्ड यू हैव सेड टू मी इकोज इन मी एंड हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑफ योर अनकंडीशनल लव। यानी किस्मत का शुक्रिया कि मैं आपसे मिली, आप सही थे कि हमारे रास्ते आज के दिन के लिए ही मिले थे, किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि किसी और ख़ास वजह के लिए। आपका कहा हुआ एक एक शब्द मेरे अंदर गूंजता है और गहराई तक असर करता है, आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए शुक्रिया। अब इस मैसेज को समझिए गौर से, रिया कहती है कि किस्मत ने हमें इसी दिन के लिए मिलाया था, फिल्म में भले ही ना करें लेकिन किसी ख़ास वजह से ही हम मिले थे, तो वो ख़ास वजह या रिश्ता क्या हो सकता है। रिया के कानों में महेश भट्ट की कौन सी सलाह गूंज रही थी जिसका असर बड़ी गहराई से हुआ था, रिया ने महेश की कौन सी सलाह मान ली थी, क्यों वो इन्हीं के कहने पर सुशांत को छोड़कर चली आई, इन बातों का जवाब तो महेश भट्ट को देना ही पड़ेगा। आगे सुनिए, अब महेश भट्ट भाव विभोर होकर लिखते हैं, यस यस इफ आई एम ऑफ नो यूज टू यू माय एग्जिस्टेंस इज वर्थलेस। हाँ जी, अगर मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका तो मेरा तो होना ही फिजूल है, बेकार है, समझे कुछ। कितने बिछे जा रहे थे महेश भट्ट, आ गया ना पूरा सच सामने रिया और महेश भट्ट के रिश्ते का, वो सच जो दोनों को लग रहा था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और खेल चलता रहेगा। बताइए महेश भट्ट कितनी मशक्कत कर रहे थे कि रिया सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दे, और जब उसने छोड़ने का ऐलान कर दिया तो बुजुर्गवार महेश भट्ट का ठरकीपन भी लबों पर आ गया। वो तो जी ही रिया के लिए रहे थे। पूजा भट्ट, शाहीन भट्ट, आलिया भट्ट जिन तीन बेटियों का आजकल वो हवाला देकर रो रहे हैं कि लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करने में लगे हैं, और वो तो तीन तीन बेटियों के बाप हैं, लोगों को इस तरह से उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था। अब क्या महेश भट्ट अपनी बेटियों को बताएंगे कि उनका जीवन उनके लिए भी है या सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए ही वो जी रहे हैं, इस पर तो उन्हें अपने परिवार और सीबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा। खैर आगे चैट में रिया ने क्या जवाब दिया वो भी देखिए। रिया लिखती हैं, यू हैव वंस अगेन अनक्लिप्ड
माय विंग्स ट्वाइस इन वन लाइफ इज ऑलमोस्ट गॉड लाइक, यानी फिर से आपने मेरे परों को आज़ाद कर दिया। एक जिंदगी में दो बार कोई ऐसा कर दे तो वो तो भगवान जैसा हो जाता है। याद आया आपको, कुछ ऐसा ही मैसेज रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर 19 जून 2018 को अपने बुद्धा को उनके जन्मदिन पर लिखा था। साथ में अपनी ईद मिलन, मेरा मतलब अंतरंग तस्वीरें भी शेयर की थी। ये सारी तस्वीरें सुशांत की मौत के दूसरे दिन वायरल हो गई थी और तभी सबको पता चला था कि रिया और महेश भट्ट का क्या रिश्ता है। अब क्या रिया बताएंगी कि पहले बार कब उनके बुद्धा ने उसके पर कतरे थे, मेरा मतलब आज़ाद किए थे। वो कौन सा मसला था जब महेश भट्ट ने ये कमाल किया था और क्यों किया था, ये तो अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई को भी बताना पड़ेगा। अब इसके जवाब में महेश भट्ट ने क्या लिखा वो भी गौर कीजिए। वो लिखते हैं रेस्ट, और रिया जवाब देती है रेनबो वाला एक इमोजी और स्टार वाला एक इमोजी लिखकर आह पीस। इस रेस्ट एंड पीस का क्या मतलब था, किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? ये हम सब जानते हैं कि किसी की मौत के बाद रेस्ट इन पीस लिखा जाता है, तो ये दोनों अचानक से ये सब किसके लिए लिख रहे थे? क्या ये कहीं सुशांत की मौत के बारे में कोई साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दोनों ने मिलकर सुशांत को ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ दिया था जहां पर उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली थी और ये बात इन दोनों को पता थी? ये पहेली इन दोनों से समझना बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, यानी वो ये कह रहे हैं कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया का दूसरा जन्म हुआ है। ऐसा महेश भट्ट किस संदर्भ में कह रहे हैं? सुशांत के साथ रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो रहा था कि रिया के साथ कि महेश भट्ट ने उसे ये मैसेज लिखा? इसके जवाब में रिया लिखती है हा 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 आई एम स्माइलिंग हेयर टू हेयर आई लव यू माई बेस्ट मैन। फिर 6 हार्ट वाले इमोजीज के साथ लिखती है वी विल मेक यू प्राउड। हंसते हुए रिया ने लिखा मैं यहाँ यही सुनने के लिए मुस्कुरा रही हूँ, मेरे सबसे चहेते शख्स मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। कुछ समझे, सुशांत बॉयफ्रेंड था रिया का और ये चैट 8 जून की है जिस दिन सुबह रिया सुशांत का घर छोड़कर आई थी और सुशांत उसके लिए बेस्ट मैन नहीं था। ये 70 साल का पिता की उम्र का बुजुर्गवार उसके लिए बेस्ट मैन था और उससे रिया जिस अंदाज में हंस हंस कर चैट कर रही थी उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी अभी इस लड़की का ब्रेकअप हुआ है, बल्कि वो तो अपने बुढ़ा से चैट करते हुए बेहद खुश नज़र आ रही थी, जबकि सुशांत का फ़ोन तो उसने ब्लॉक कर दिया था। अब रिया के मैसेज के जवाब में महेश भट्ट लिखते हैं यू ऑलरेडी हैव ट्रूली इट टेक्स गट्स टू डू वॉट यू डिड डोंट लुक बैक, यानी तुमने पहले ही मुझे गर्व फील करवा दिया है, सच में तुमने जो किया है उसे करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, अब पीछे मुड़कर कतई मत देखना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि महेश भट्ट क्या कहना चाह रहे थे, ऐसा क्या कर दिया था रिया ने जिसके लिए वाकई बड़े गट्स की ज़रूरत होती है? क्या सुशांत से ब्रेकअप को महेश बड़ा हिम्मत वाला काम कह रहे थे या फिर कहीं बिटवीन द लाइन्स कहानी कुछ और थी, इशारा कहीं किसी और तरफ था? ये तो 8 जून की सिर्फ एक चैट है, लेकिन कॉल डेटा से ये खुलासा हो चुका है कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच 8 जून से लेकर 13 जून के बीच 16 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है। 8 बार रिया ने फ़ोन किया है और इतनी बार महेश भट्ट ने भी कॉल बैक किया, व्हाट्सएप पर भी अलग से कॉल हुए हैं। और तो और इस डेटा से ये भी पता चलता है कि जब सुशांत घर पर नहीं होते थे तब रिया घंटों महेश भट्ट से बातें क्या करती थी, क्या बातें होती होंगी दोनों के बीच। और सुशांत की मौत के ठीक 4 दिन बाद रिया ने प्रेम पूर्वक अपने बुड्ढे को बर्थडे भी विश किया था और इसमें भी लिखा था आई लव यू। अब ये सारे चैट्स सीबीआई के हाथ लग गए हैं। सीबीआई को अब ये भी पता चला है कि मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान महेश भट्ट ने क्या क्या बात बताई। खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी सीबीआई उनसे पूछताछ करने जा रही है, लेकिन ये तो पुराने खिलाड़ी है, क्या पता ये कूपर अस्पताल में बीमारी का बहाना बनाकर सीबीआई से बचने के लिए एडमिट ही हो जाए। लेकिन जो भी हो, रिया के साथ साथ इस बार महेश भट्ट भी नपने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।